वजीर भाई, आज नहीं, आज इसकी सालगिरह है। हाँ, हम तो भूल गया था, हमें तो हमारा 22 से शिकायत का कोई हक नहीं, पता नहीं इसको हमारे हक का एहसास कब होगा। भाई अस्सलाम वालेकुम, माफ करना देर हो गई। अहमद भाई अब केक ले आए, मैं तो परेशान हो गई थी, मैं तो समझी आप गुम हो गए। की करा, देर ते होनी सी, जिस दुकान जाऊं लिखा है मुझसे लेन देन मना है, यार ने ऐसा हाल किया है कि खुल के यार की खुशी भी नहीं मना सकता। अरे ये सारे बूढ़े क्या जवानी के फ्लैश बैग में खोए रहते हैं, ये केक मुझे दो। अरे नाजो तुम आ गई हैं? जी हाँ। तुम तो नाराज थी कि ये तुम्हारी बर्थडे भूल गया था। सालगिरह मेरी तो कोई भी खुशी से याद नहीं रहती, इसने तो आज तक ये भी नहीं पूछा कि मेरी खुशी है किस बात में, मैं तो बस अब इसकी खुशी में ही खुश हूँ। मैं कोई मदद करा? कोई जरूरत नहीं है, 70 साल बाद तुमको छुट्टी मिला है, दोस्त का सालगिरह है, आराम करो। दोस्त, सारी जिंदगी गुजर गई बट्टे पे इस दोस्त का इंतजार करते करते कि ये आएगा और मेरा हाथ थाम लेगा, अब मेरी जवान औलाद इसका इंतजार कर रही है। हाय राम। एक तुम हो जिसे ये मुसलमान नहीं मानता, एक मैं हूँ जिसे जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। इसे कौन समझाए, जैसे देश दिल में बसता है वैसे ही धर्म। ठहरो बेटा। जी। तुम्हारा नाम क्या है? तैयबा। बेटा अपना केक नहीं काटोगी? मेरा केक? हाँ, तुम नहीं जानती आज मेरी नहीं हम सबकी सालगिरह है, तुम्हारी भी। सच बोलूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज ये सब आएंगे, मगर दोस्ती के असल महीने क्या होते हैं ये 70 साल बाद समझ में आया। मैं इस गुमान में रहता था कि ये सब मुझसे हैं, मगर हकीकत तो ये है कि मैं इन सब से हूँ।